हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक है, देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन। और अगर आप लगातार करंट से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि ये पिछले 1.5-2 सालों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है टॉपिक। और अभी जो हाल में शांग्रीला डायलॉग हुआ है तो उसमें भी इस पर खूब चर्चा हुई। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी और बाकी देश के जो लीडर्स थे उन्होंने भी अपनी बात रखी, तो इंडो पैसिफिक रीजन पर काफ़ी चर्चा हुई। तो इस संदर्भ में जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं कि ये इंडो पैसिफिक रीजन है क्या। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंडो यानी इंडियन ओशियन और पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशियन। तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के कुछ भागों को मिला के जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हम कहेंगे इंडो पैसिफिक रीजन। तो देखिए, फिर इसमें कौन सा क्षेत्र आता है इसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट से चल के, यानी कि जो हमारा ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट है वहाँ से चल के इंडियन ओशियन, और फिर जो है वेस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशियन। तो ये तीनों जो भाग हैं, यानी ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, यहाँ से फिर इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन से आगे वेस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशियन। तो ये जो पूरा पार्ट है ये है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए, इसे मैप में हम लोग देखते हैं तो ये जो है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन का एक मैप है। जो ऐसा कि मैंने आपको बताया कि जो अफ्रीका है उसके ईस्टर्न कोस्ट से चालू होके, यानी कि ये सारा पार्ट, और फिर जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वहाँ तक, यानी कि जो हमारा मिडिल का पैसिफिक ओशियन है और जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है वहाँ तक ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन फैला हुआ है। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है क्षेत्र, इसमें ऐसे कौन से क्षेत्र आते हैं जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है कि इसका महत्व इतना ज़्यादा हो जाता है, अमेरिका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, जापान इंटरेस्ट ले रहा है। तो क्यों सारे कंट्रीज़ जो हैं, जो आपके EU कंट्रीज़ हैं यानी कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है। तो देखिए, इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो आते हैं, जैसे कि साउथ चाइना सी। आप जानते हैं कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे आसियान कंट्रीज़ और चाइना के मध्य लगातार विवाद चला करता है। फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, देखिए ये रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये भी हमारी इंडो पैसिफिक रीजन में आती है, इंडोनेशिया के पास में है ये। इसके साथ ही गुआम आइलैंड, मार्शल आइलैंड, तो ये सारे जो आइलैंड हैं स्ट्रेटजिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हवाई, जो कि अमेरिका की एक टेरिटरी है, सॉरी अमेरिका का एक राज्य है, गुआम जो है अमेरिका की टेरिटरी है। इसके साथ ही रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, पर्सियन गल्फ, तो ये तीनों देखिए क्या है, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, पर्सियन गल्फ, ये सब वो क्षेत्र हैं जहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा तेल का व्यापार होता है। क्योंकि देखिए, यही जो खाड़ी देश हैं यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये देश इन सारी चीज़ों को निर्यात करते हैं। इसके साथ ही सेशल्स, सेशल्स में देखिए आपने अभी देखा होगा कि भारत ने एक द्वीप प्राप्त किया था, मालदीव। मालदीव में आपने देखा था कि किस तरह से जो चाइना है वो लगातार इंटरवेंशन कर रहा है वहाँ पर, जो है अपने मनपसंद सरकार को बनाए रखने में सहायता कर रहा है। तो इस तरह से ये रीजन जो है हमारा इंडो पैसिफिक, आप कह लीजिए कि स्ट्रेटजिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, इसमें जो जैसा कि अभी हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स हैं, साउथ चाइना सी में हाइड्रोकार्बन्स की संभावना है। इसके साथ ही जो हमने देखा कि खाड़ी देशों के पास है, तो वहाँ से तो विश्व का जो अधिकतर भाग है तेल वगैरह का, गैस का, प्राकृतिक गैस का, वो आयात निर्यात होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड, देखिए अब जो है विश्व तो ग्लोबलाइज हो गया है तो हर देश एक दूसरे के साथ व्यापार करता है, तो ऐसे में अगर समुद्र खुला नहीं होगा, इंटरनेशनल ट्रेड जो है सभी को अवेलेबल नहीं होगा, तो कुछ ही देश फिर जो ये ग्लोबलाइजेशन है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। लार्ज मार्केट, यानी कि ये जो सारे देश हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में पड़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में उपलब्ध हैं। तो ऐसे में अगर किसी एक देश का जो कब्जा हो जाएगा समुद्र पे, तो केवल फिर वही देश इन सबको अपना जो सामान है वो एक्सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि राइज ऑफ चाइना, यानी कि चाइना ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया, अपनी जो मिलिट्री की पावर है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। और अब जो है चाइना, देखिए अधिकतर देशों में क्या कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे उन्हें खूब सारा पैसा देता है, खूब सारी सहायता देता है। उसके बाद जब ये जो पैसा है ये छोटे छोटी कंट्रीज़ वापस नहीं कर पाते हैं, तो फिर चाइना जो है उसे अपने शर्तों पे, आप कह लीजिए कि न चाहता है, अपने इशारों पे जो है काम करवाता है उससे। तो ये सारी चीज़ें चाइना कर रहा है, जैसा कि हमने देखा साउथ चाइना सी, तो वहाँ पे भी चीन जो है वो जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसके डिसीजन को भी नहीं मान रहा है और उस जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसमें अपना कब्जा बनाए रखा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा हिस्ट्री का, जिससे आप समझ जाएंगे कि जो चाइना जो कर रहा है वो इतना ज़्यादा घातक क्यों हो सकता है, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं।
और इसके साथ ही देखिए समुद्र की क्या अहमियत है ये भी यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे तो वो जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ का सामान खरीद के जो है अपने मार्केट में बेचते थे, यानी कि इंग्लैंड के मार्केट में वो सारा सामान बेचा जाता था। तो ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे जो हमारा ट्रेड था बहुत कुछ ब्रिटेन के पर डिपेंड हो गया, क्योंकि हमें ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, हमारे यहाँ का जो सामान था वो ब्रिटेन की मार्केट में बिक रहा था। तो ऐसे में जब जो ब्रिटिशर्स थे जो वहाँ के कंपनी के लोग थे उन्होंने जब कुछ गड़बड़ियाँ करना शुरू की तो उसे हमारे यहाँ के जो आप कह लीजिए शासक थे उन्होंने इग्नोर किया। उसे इग्नोर करने का रीज़न यही था कि हमारे यहाँ के जो आप कह लीजिए ये जो दस्तकार थे या फिर जो काम करने वाले थे उनको फ़ायदा होता था, उनका प्रोडक्ट बिक पाता था। इसके साथ ही दूसरी बात ये भी थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो समुद्र में बहुत ज़्यादा मजबूत थे, यानी कि उनका जो समुद्री बेड़ा था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, और अगर हम उनको बहुत ज़्यादा उनके व्यापार में इंटरवेंशन करते या बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाते तो फिर वो जो हमारा समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार था उसको रोक देते। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से ये दबाव बनाए रखा। इसीलिए हमारे यहाँ के जो मुगल एम्परर वगैरह थे उनकी जब ब्रिटिशर से लड़ाई भी हुई उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए। तो यही चीज़ देखिए आज हमें फिर देखने को मिल रही है कि एक तो चाइना पे ट्रेड इतना ज़्यादा डिपेंड हो गया है विश्व के अलग अलग देशों का कि जो देश हैं वो चाइना के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि अब देखिए धीरे धीरे चाइना जो है हर जगह पे हर ओशियन में अपनी छोटी छोटी टेरिटरीज का निर्माण कर रहा है, अपने सैन्य अड्डों का निर्माण कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो चाइना है वो समुद्र में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो फिर उसका भविष्य में जो प्रतिरोध करना है वो संभव नहीं होगा। इसीलिए इसी सिचुएशन से बचने के लिए जो आज देश हैं वो एक हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो हमारा इंडियन ओशियन है, जो पैसिफिक ओशियन है जिसे मिला के इंडो पैसिफिक कह रहे हैं, तो इसमें किसी तरह से जो शक्ति का संतुलन है वो कायम रहे। और देखिए इसी शक्ति के संतुलन को कायम रखने में जो भारत है हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसीलिए अब भारत की तरफ पूरी दुनिया जो है नज़र लगाए बैठी है। तो अब देखिए देखते हैं कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, यानी कि अभी पिछले कुछ सालों में 1-2 सालों में ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि जो शक्ति संतुलन है वो स्थापित हुआ है या कुछ मदद मिली है। तो पहला तो है मालाबार एक्सरसाइज। तो देखिए मालाबार एक्सरसाइज पहले होती थी भारत और अमेरिका के बीच में, अब उसमें जापान भी शामिल हो गया है, यानी कि अब भारत जापान और अमेरिका के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होने लगी है। तो अभी देखिए हाल में जो मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है 2018 में वो होगी गुआम में। तो गुआम में जो है 2018 की मालाबार एक्सरसाइज होगी भारत जापान और अमेरिका के बीच में, उसके साथ ही क्वाड बनाया गया। तो क्वाड देखिए 4 देशों का एक समूह है जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान आते हैं। तो ये क्वाड भी कहीं ना कहीं जो शक्ति बढ़ती हुई चीन की शक्ति है उसको संतुलित करने के लिए ही बनाया गया है, एक तरह की ये रणनीतिक संगठन है। फिर देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत जो है अपने आसियान कंट्री से लगातार संबंधों को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे पूर्व की ओर देश हैं उनसे जो हमारे रिलेशन है उनके साथ जो हमारा ट्रेड है लगातार हम उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी जो है ये जो हमारा साउथ चाइना सी है जो इंडो पैसिफिक रीजन है पूरा, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आप कह लीजिए बैलेंस ऑफ पावर है उसको स्थापित करने में मदद करेगा। फिर देखिए मिलन इवेंट। तो ये जो मिलन इवेंट है ये 1995 से लगातार आयोजित किया जा रहा है इंडियन नेवी की जो अंडमान निकोबार कमांड है उसके द्वारा। तो ये जो देखिए मिलन इवेंट है इसके अंतर्गत एक एक्सरसाइज भी होती है जिसे कहते हैं माइल्स एक्सरसाइज। तो ये जो माइल्स 2018 की एक्सरसाइज थी तो उसमें ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, म्यांमार है, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, तो इन सारे देशों ने भाग लिया। ये जो सैन्य एक्सरसाइज थी तो इसमें इन सभी देशों की जो आप कह लीजिए कि नौसेना थी उसने भाग लिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इससे भी देखिए कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये सारे देश जो हैं एक साथ आ रहे हैं धीरे धीरे। फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का इंडियन ओशियन को लेके एक विज़न है कि सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि जितने भी देश हैं सभी को सिक्योरिटी प्राप्त हो और सभी की जो है ग्रोथ हो सके, तो इस तरह का ट्रेड हो, इस तरह से ओपन सी हो, इसको लेके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न है। इसके साथ ही देखिए जो हमारा समुद्र है जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अलग अलग देशों से हमने कई सारे समझौतों के अंतर्गत कुछ बंदरगाह प्राप्त किए हैं जिससे कि जो हमारी नेवी है वो समुद्र पे अच्छे से निगरानी रख पाए, अपनी स्थिति को मजबूत कर पाए।
तो इसी तरह का एक बंदरगाह हमें सेशल से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ देखिए, एक बंदरगाह हमें श्रीलंका से प्राप्त हुआ है। ईरान का चाबहार बंदरगाह तो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ ही हाल में सिंगापुर से जो चांगी बंदरगाह है, वहाँ भी अब हमारी जो नेवी है वो जा सकती है, अपने शिप वगैरह पहुँचा सकती है। तो इस तरह से भारत ने अपनी स्थिति को समुद्र में लगातार मजबूत करने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन में मजबूत करने के लिए, ये कई सारे देशों से अलग अलग समझौते किए हैं। फिर देखिए, अभी कुछ जो हाल में डेवलपमेंट हुए हैं, यानी कि जो अभी रिसेंट टाइम में कुछ ही दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, यूएस पैसिफिक जो कमांड है, तो ये यूएस की जो सेना है उसका एक कमांड है, यूएस पैसिफिक कमांड। तो ये सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा मजबूत यूएस का कमांड है। इसका नाम यूएस ने बदल दिया है और इसका नाम यूनाइटेड स्टेट ने अब रखा है, यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड। यानी कि अब जो यूएस है वो इस रीजन को, जो ये पैसिफिक और इंडियन ओशियन का रीजन है, इसको अब इंडो पैसिफिक रीजन के रूप में मान्यता दे रहा है। यूएस ने इसको कहा है इंडो पैसिफिक कमांड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ ही जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शांग्रीला डायलॉग में संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये तो एक नेचुरल रीजन है, एक प्राकृतिक रीजन है। इसके साथ ही देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर इससे ठीक पहले इंडोनेशिया में भी थे, तो इंडोनेशिया और भारत ने एक बात कही कि जो भी देश है, सभी को यूनाइटेड नेशन का जो नियम है, जो यूएन क्लॉज है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। देखिए, यूएन क्लॉज की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये 1994 में देखिए अस्तित्व में आया, और इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई भी देश अपना जो समुद्र तट है उससे 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक, जो समुद्र फैला हुआ है वहाँ तक के लिए अपना कानून बना सकता है। यानी कि वहाँ पे फिशिंग किस तरह से होगी या अलग अलग चीज़ें जो हैं किस तरह से होंगी, तो इस सब चीज़ों पे अपना कानून बना सकता है, और उस क्षेत्र में जो उपलब्ध संसाधन है उनका दोहन भी कर सकता है। मान लीजिए जो इंडिया का कोस्ट है, तो यहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी होगी वहाँ तक इंडिया अपने कानूनों को लागू कर सकता है, उसके इस क्षेत्र के लिए, समुद्र के इस क्षेत्र के लिए कानूनों को बना सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो भी संसाधन पाए जाते हैं, चाहे वो मेटल पाए जाएं, चाहे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पाए जाएं, तो उन सभी का दोहन कर सकता है। तो यही बात इंडिया और इंडोनेशिया ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कही, और इसका सीधा मतलब देखिए यही निकल रहा था कि जो चाइना है उसे साउथ चाइना सी में यूएन क्लॉज का सम्मान करना चाहिए, ये जो यूनाइटेड नेशन का नियम है समुद्र को लेके, इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन देखिए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसने भी इसी बात को उठाया था, लेकिन चाइना ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था जब फिलीपींस के वर्सेज में इसका ये वाद हुआ था। तो खैर, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ तो दिखाई पड़ रही है कि अब जो अलग अलग देश हैं चाइना की इस तरह की जो आक्रामक नीतियां हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उसका विरोध कर रहे हैं, अब सामने आ रहे हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें ये बताएं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना की स्थिति इतनी मजबूत क्यों है। तो देखिए, हमने देखा है कि पिछले कुछ दशकों में चीन जो है एक विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और जो चीन का व्यापार है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज का ये जो हमारा ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, तो इसमें चीन का व्यापार लगभग हर देश के साथ बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। अब देखिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड का एक सदस्य है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो एफडीआई जाता है उसमें चीन की जो एफडीआई है उसकी बहुत बड़ी मात्रा है। यानी ऑस्ट्रेलिया चाइना से बहुत ज़्यादा मात्रा में एफडीआई प्राप्त कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना पे आर्थिक रूप से निर्भर हो रहा है। इसी तरह से देखिए, जो जापान है, तो जो जापान से चीन को एक्सपोर्ट है वो जापान के कुल एक्सपोर्ट का 20% है। यानी कि मान लीजिए, अगर जापान से हर साल 100 रुपये का एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें से 20 रुपये का एक्सपोर्ट केवल चीन को हो रहा है। तो ऐसे में जापान के लिए जो है चीन एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो जापान इस मार्केट को गंवा नहीं सकता है। ये भी देखिए, क्वाड का हमारा एक मेंबर है, मालाबार एक्सरसाइज में हमारे साथ रहता है। फिर चाइना इज़ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ आसियान कंट्रीज़। यानी कि देखिए, जो आसियान कंट्रीज़ हैं, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, तो आसियान कंट्रीज़ भी देखिए जो सबसे ज़्यादा व्यापार करती हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करती हैं, वो चाइना के साथ करती हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जब तक हमारा जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो आसियान कंट्रीज से बढ़ेगा नहीं और लगातार बढ़ता नहीं जाएगा, तब तक जो आर्थिक स्थिति है उसमें शक्ति संतुलन की दशा नहीं आ पाएगी।
और जब तक आर्थिक रूप से ये शक्ति संतुलन स्थापित नहीं होता है, तब तक चाइना इस पूरे रीजन में डोमिनेट करता रहेगा। फिर भी फ्रेंड्स, जो हमारी ये इतनी सारी एक्सरसाइजेस चल रही हैं, जो विश्व के अलग अलग देशों के प्रयास चल रहे हैं, तो इसके सकारात्मक नतीजे ज़रूर ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके जो पॉजिटिव पॉइंट थे, जो निगेटिव पॉइंट थे, इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सारी मैंने आपको बता दी। अगर आगे इस बारे में कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ नई बातें होंगी, तो हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।